हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेगा अनफिल्टर्ड। दिस इज सेवंतिका एंड आज है 16th of December एंड टुडे इज अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज टुडे इज माय फर्स्ट एवर MUN। ठीक है, तो MUN फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो इज मॉडल यूनाइटेड नेशंस। तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जहाँ दिया जा मतलब आपको एक पर्टिकुलर एजेंडा टॉपिक दिया जाता है एंड आपको एक एक कंट्री मिलता है। ठीक है, एंड देयर यू हैव टू स्पीक on behalf of the country which is allotted to you for the agenda. तो आपको agenda के लिए बोलना है अपने तरफ से, like the country के तरफ से। So ये मेरा पहला MUN है and मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ। तो अभी 8:30 बजने वाला है and registration is from 8 to 9 or 9:30। तो फटाफट मैं निकलती हूँ एंड द ड्रेस कोड इज फॉर्मल। ओके, लाइक MUN इज अ वेरी वेरी फॉर्मल थिंग, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल फॉर्मल कपड़े पहनने। तो आई एम वेयरिंग लाइक, मैं आपको दिखा दूंगी मेरा आउटफिट। ठीक है, तो मैं ये सब नया सब खरीद के लेके आई हूँ शॉपिंग फॉर द MUN एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। ठीक है, तो मैंने मैचिंग का पैंट सूट लेके आया है एंड इसको मैंने पहना है विद व्हाइट टर्टल नेक। तो ये सारा मैं अभी जस्ट मतलब अभी क्या, मैंने सारा इसको 1 week पहले खरीद के लाई हूँ एंड आई रियली लाइक द कलर। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट कलर एंड इट लुक्स नाइस विद व्हाइट एंड आई एम वेयरिंग दिस वेरी बेसिक हुप्स। These are from H&M. I'm ready to go. So I'll see you guys there. अभी ब्रेक है एंड हम जा रहे हैं लंच के लिए, 4 pillars जा रहे हैं। ठीक है, एंड मेरा रिसर्च अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश दैट एंड मेक अ फाइनल स्पीच एंड मे बी आई नॉट ईट लंच एंड मेक श्योर दैट माई स्पीच इज करेक्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू 7 pillars फॉर लंच, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो आई एम नॉट हैविंग लंच एंड मैं जा रही हूँ कॉलेज के लाइब्रेरी में, सो दैट देयर आई कैन डू माई रिसर्च एंड फिनिश माई स्पीच। देन ओनली अगर मन होगा तो आई विल ईट, वरना आई विल नॉट ईट, क्योंकि 4 बजे क्लास खत्म हो जाएगा तो मैं घर भी जाकर आराम से खा सकती हूँ। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द फर्स्ट सेशन स्टार्ट्स एट 2 एंड अभी हो रहा है 1 बज जाएगा, तो आई हैव एग्जैक्टली 1 hour, आई हैव टू फोकस एंड फिनिश माई स्पीच। ओके, आई विल कीप यू अपडेटिंग फर्दर। She is a journalist and she is wearing blazers. The next morning. Okay, so I'm ready for day 2. So today is day 2 of the Model United Nation and today is an aaj ka theme ethnic, so I'm wearing a sari. Show you, babe. Okay, so this is the sari which I'm wearing today. ओके, ये मम्मी का साड़ी है, बहुत पुराना साड़ी है, ऑलमोस्ट दिस इज 30 years old एंड लाइक आई लव द डिज़ाइन और मुझे कुछ ऐसे सिंपल सा ही पहनना था। हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस, तो कल का एक्सपीरियंस लाइक बहुत अच्छा था, मैंने अपने आप ही सब नया नया सब सीखा, मैंने रिसर्च किया, मैंने स्पीच नहीं दिया है आज, होपफुली मेरे को रिकोगनाइज करेंगे तो मैं दूंगी स्पीच। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन खत्म हो गया एंड ब्रेक था, तो ब्रेक में मैंने सोचा कि थोड़ा क्लास में आ जाती हूँ, सबको हाय बोले। ठीक है, मैंने पता मैम लोग से भी मिली, सर से भी मिली एंड मैंने मंशा को बोला मंशा प्लीज मेरे को तो छोड़ दे, मैं इतनी मेहनत से चल के आई हूँ, वापस तो मैं नहीं जा सकती क्योंकि साड़ी में आज चलना इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट।
ओके सो आई मेट माई स्कूल जूनियर ठीक है एंड शी इज हियर इन IP एंड वो फोटोग्राफ्स ले रही है तो मैंने बोला भाई मेरे भी ले ले एक दो फोटोग्राफ इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब ओके सो अभी 1:40 के आसपास हो रहा है एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन माय ओपनिंग स्पीच लाइक इंडिया ने अपना ओपनिंग स्पीच दे दिया है एंड नेक्स्ट अभी सेकेंड सेशन होगा एट 2:30 अभी 1:40 है वी आर जस्ट गोना गो एंड ग्रैब सम लंच ठीक है भूख तो लगा है बिकॉज सुबह से कुछ खाया नहीं है तो आई एम जस्ट गोना ईट समथिंग ओके सो आफ्टर द लंच हर्षिता ने मेरे को एक बहुत बड़े शॉर्टकट दिखा के यहाँ ले आई है ठीक है एंड यहाँ पे फ्रिज था जिसमें मैंने ले लिया ये डाइट को ठीक है माजा मैंने खाने का कुछ खाने का मैंने मन हो रहा था वैसे पीने का मन हो रहा था पीने क्या है सॉरी ओके और खाने में क्या था फ्राइड राइस मंचूरियन जी इसको खा के बहुत मजा आ गया बहुत खाना अच्छा कल बना था चावल पनीर एंड चिकन खाना वॉज वेरी टेस्टी एंड आज हाँ अभी लाइट अच्छा आ रहा है हाँ एंड आज का भी खाना अच्छा था कल होपफुली कल संडे पूरा बिरयानी बिरयानी मिलेगा ओह मजे आ जाएंगे वो एक एक दिन करके और भी अच्छा अच्छा बना रहे हूँ हाँ मतलब अरे बट दिस इज अ वेरी बिग थिंग पता है वो लोग कैसे डिफरेंट ऑप्शन रख रहे हैं एंड ऑल्सो नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी Usually what happens in a crisis, right? Yeah, for a particular crisis you have to give out a working paper or say, tell me something, you call something up? Any motion something? Yeah, you can do it. Motion to adjourn the meeting. That's the motion that you made. You can tell me second. You should have said, adjourn the meeting. तो अभी 6 बज रहा है मैं घर वापस आ गई हूँ अभी ले घर आके भी आई हैव टू गो आउट जल्दी जल्दी क्योंकि कल जो आउटफिट आई एम वेयरिंग आई हैव टू गेट समथिंग विद दैट द नेक्स्ट मॉर्निंग हेलो एवरीवन ऑल सेट For the last day, आज है डे 3 एंड दिस इज द लास्ट डे ऑफ द MUN एंड ऑल्सो कल से मेरे एग्जाम्स है मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टूडे एंड कल का एग्जाम इज लाइक वी हैव टू सब्जेक्ट विच आर ओके लाइक आई थिंक आई बी एबल टू डू इट सो लेट मी शो यू वट आई एम वेयरिंग टूडे एंड देन वील गो बिकॉज आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ लाइक 9 बजने में 10 मिनट है तो आई हैव टू गो राइट नाउ मैं पहन रही हूँ ओके ये एक टोटल लाइक ब्लैक वन पीस है With heels, okay. And आज का थीम ही है वेस्टर्न फॉर्मल तो आई एम वेयरिंग दिस ग्रे कलर का ब्लेजर विद दिस ब्लैक टर्टल नेक यू नो यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा ठंडा है एंड प्लस वो हमें फुल एसी रूम में बैठाते हैं तो उसके वजह से भी लाइक ठंड बहुत लगता है तो आई एम वेयरिंग द कोट जस्ट इन केस session will start around 9:15 so I think I'm good to go hi khaat se mujhe isko record karna hai hamesha okay so abhi 5:30 ho raha hai and our session is finally over now we are going एक final closing ceremony होगी ठीक है तो मैं जो अपना बैग में अपना मैकबुक लेके आ रही हूँ आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क इसलिए मैंने मम्मी पापा को तुरंत बुलाया कि यू कम एंड टेक माई बैग फिर मैं आपको दिखाती हूँ हाउ इज द क्लोजिंग सेरेमनी फॉर द हायर कमेंडेशन अवार्ड वी हैव द डेलीगेट ऑफ आर्मेनिया Best delegate, we have the delegate of Liechtenstein. Liechtenstein, na?